हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। आज का वीडियो उन लेडीज़ के लिए है जो घर पे ही वर्कआउट करना चाहती हैं, लेकिन क्या और कैसे करना है उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है। आज मैं आपके साथ 10 एक्सरसाइजेज शेयर करूंगी, जिनके मैंने 5 सेट बनाए हैं और हर एक सेट में दो दो एक्सरसाइजेज हैं। दोनों एक्सरसाइजेज करने के बाद आपको 30 सेकेंड का ब्रेक लेना है, उसके बाद उसी सेट को रिपीट करना है। देन यू कैन टेक 1 मिनट ब्रेक एंड स्टार्ट नेक्स्ट सेट। स्टार्टिंग में आप हर सेट को दो ही बार करें। धीरे धीरे जब आपका स्टैमिना बनने लगे तो आप 3 या 4 सेट लगाने के साथ साथ इनकी रेपिटेशंस भी बढ़ा सकते हैं। इस वर्कआउट में कोई खास इक्विपमेंट्स मैं यूज़ कर नहीं रही हूँ। जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं वो सबके घर में अवेलेबल होती ही हैं। वर्कआउट से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप किसी भी तरह की इंजरी से सेफ रहें। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं अपने हर बॉडी पार्ट को अच्छे से स्ट्रेच कर रही हूँ। 5 मिनट्स आपको इसी तरह से अपनी बॉडी को वार्म अप करना है, उसके बाद हम वर्कआउट शुरू करेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम वर्कआउट कर रहे हैं, हो सकता है कि उनको बॉडी पेन फेस करना पड़े, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस मसल पेन ही होगा। हॉट वाटर से बाथ लें और 1 दिन का गैप लेते हुए वर्कआउट करें। धीरे धीरे आपकी बॉडी इसके यूज टू हो जाएगी और पेन होना भी बंद हो जाएगा। सो वार्म अप मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब हम शुरू करेंगे फर्स्ट सेट ऑफ दिस वर्कआउट। फर्स्ट सेट की फर्स्ट एक्सरसाइज है जंपिंग जैक्स एंड सेकेंड एक्सरसाइज है स्काई हॉप्स। खुद को फिट रखने के लिए जब हम बिना वेट्स के घर पे ही वर्कआउट करने का डिसाइड करते हैं तो हमें ऐसी एक्सरसाइजेस चूज़ करनी चाहिए जो हमारे ब्रेथ रेट को हाई रखें, ताकि एक्सरसाइज करते हुए आप ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करें और ऑक्सीजन फैट बर्निंग में अमेजिंग रोल प्ले करती है। जंपिंग जैक्स में आर्म्स को 2 डायरेक्शन में यूज़ करते हुए कर रही हूँ ताकि वेरिएशंस के साथ साथ बॉडी शॉक में रहे। एक सेट में इसे 25 रेपिटेशन से शुरू करें और धीरे धीरे 100 तक लेके जाएं। बेसिकली ये एक कार्डियो वर्कआउट है जिसके सिर्फ 2-2 सेट लगाने के बाद ही आप अमेजिंग फील करेंगे एंड डेफिनेटली आपको वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करेगा। ये दोनों एक्सरसाइजेस कर लेने के बाद आपको 30 सेकेंड का ब्रेक लेना है, उसके बाद इसी सेट को रिपीट करना है। देन हम लेंगे 1 मिनट का ब्रेक और शुरू करेंगे अगला सेट। सेकेंड सेट की फर्स्ट एक्सरसाइज हाई नी ट्विस्ट एंड सेकेंड बर्पीज। इस एक्सरसाइज में आपको 1 by 1 अपने नी और आर्म को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करना है और ये चीज़ आप फोर्स के साथ करेंगे तो बेटर रहेगा। स्पीड पहले स्लो रखें, उसके बाद स्लोली इंक्रीज करने की कोशिश करें। इसे आप 20 रेपिटेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। बर्पीज भी एक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है। इसकी इंटेंसिटी को लो रखने के लिए आप हाई जंप की बजाय सिंपल स्टैंडिंग पोजीशन चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें हाई जंप इंक्लूड कर दिया जाए तो इंटेंसिटी और भी बढ़ जाती है। यू कैन बर्न मोर कैलोरीज। स्टार्टिंग में बर्पीज को आप 10 रेपिटेशन से ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, सो स्टार्ट करें 10 रेपिटेशन के साथ। वर्कआउट करते हुए अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट कभी ना होने दें। सो हर सेट को 2 बार कर लेने के बाद 2 या 3 सिप पानी जरूर पिएं, जिससे आपकी एनर्जी भी मेंटेन रहेगी। थर्ड सेट की फर्स्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट्स एंड सेकेंड एक्सरसाइज है हाई नीज। लगभग मेरे हर वर्कआउट में आपने मुझे स्क्वाट्स करते हुए ज़रूर देखा होगा और ये एक्सरसाइज मेरी फेवरेट भी है। इसे आप अपने बॉडी वेट के अलावा एक्स्ट्रा वेट्स के साथ भी कर सकते हैं। ये आपके लार्ज मसल्स पे वर्क करती है और जितना हम अपनी बॉडी के लार्ज मसल्स पे वर्क करते हैं उतना ही जल्दी वेट रिड्यूस कर पाते हैं। इसमें आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, बैठते हुए लेग्स का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और मेक श्योर कि आपके नी आपके फीट से आगे ना जाए। पोस्चर सही रहेगा तो इंजरी कभी नहीं होगी। इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आप सिंपल स्क्वाट्स के साथ साथ जंप्स इंक्लूड कर सकते हैं और वेट भी। वेट आपके पास नहीं है तो सिंपली किसी बैकपैक में या तो कुछ बुक्स रख लें या फिर सैंड के कुछ पैकेट्स रखे जा सकते हैं। इससे आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी और आप कैलोरीज भी बहुत फास्ट बर्न करेंगे। स्टार्टिंग में आप 10 रेपिटेशन के 2 सेट्स लगा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप इसकी रेपिटेशन को इंक्रीज करें
और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप 25 रेपिटेशंस के 4 सेट लगाएंगे। एक्सरसाइज हाई नी में आपको एक ही जगह पर रन करना है। ये एक्सरसाइज भी आपके ब्रेथ रेट को हाई रखती है और लेग्स के सभी मसल्स को स्ट्रेंथ देने के साथ साथ आपके कोर को भी एंगेज रखती है। 50 रेपिटेशन से स्टार्ट करें, देन स्लोली बढ़ाते हुए यू कैन टच 100। फोर्थ सेट की फर्स्ट एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंबर्स एंड सेकेंड वन इज साइकिलिंग। एक्सरसाइज माउंटेन क्लाइंबर्स में बेसिकली आपको माउंटेन को क्लाइंब करने की तरह ही परफॉर्म करना है, बस इसमें माउंटेन आपका फ्लोर है। वन बाय वन अपने नी को चेस्ट के पास लेके आना है, बट मेक श्योर कि आपका फुट फ्लोर को टच ना करे। स्लो स्पीड के साथ 25 रेपिटेशन से शुरू कर सकते हैं, देन 100 रेपिटेशन तक इंक्रीज करें। अपने कोर को टाइट रखें और आपकी बैक में बिल्कुल भी कर्व नहीं होना चाहिए, बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। साइकिलिंग इन द एयर बाय लाइंग डाउन ऑन द फ्लोर आपके एब्डोमेन के हर मसल्स पे वर्क करती है। सो अगर आप स्टमक का फैट उड़ाना चाहते हैं तो ये सिंगल मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है, जिसे डेली प्रैक्टिस करने से आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलेंगे। 50 रेपिटेशंस के साथ स्टार्ट करें एंड गो टू 100। लास्ट सेट की लास्ट एक्सरसाइज इज रशियन ट्विस्ट एंड प्लैंक ट्विस्ट। एक्सरसाइज रशियन ट्विस्ट भी आपके एब्डोमेन पे ही वर्क करती है। इसे आप अपने बॉडी वेट के अलावा एक्स्ट्रा वेट्स के साथ भी कर सकते हैं, और वेट्स को इंक्लूड करने से बॉडी वेट का यूज़ ज़्यादा होता है। एक्स्ट्रा वेट्स के लिए आप बुक्स का यूज़ कर सकते हैं और यू कैन यूज़ एनी अदर वेट। डेली एक्सरसाइज करना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये डिपेंड करता है कि आप अपनी हेल्थ के बारे में क्या और कितना सोचते हैं। हमारे कंट्री में हेल्थ को लेके अवेयरनेस बहुत कम है, इसीलिए यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी डे बाय डे इंक्रीज हो रही हैं। हमारी हेल्थ में डाइट का रोल 80% एंड एक्सरसाइज 20% ही रोल प्ले करती है। सो वी शुड फोकस मोर ऑन आर डाइट। एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो चलेगा, लेकिन एक्सरसाइज स्किप करना नहीं चलेगा। सो कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ टू डू एक्सरसाइज। सो ये वर्कआउट आपकी ऑल ओवर बॉडी पे वर्क करता है, जिसमें कार्डियो के साथ साथ कोर एक्सरसाइजेस भी हैं। आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली आप स्टार्टिंग में रेपिटेशंस कम रखें, देन पुश योरसेल्फ टू डू मोर एंड मोर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय। Take care and stay healthy.